हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 5 है, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो कंप्लीट आपको जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रही है। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व है, तो इसमें ए नंबर है, जिला परिषद इज हेडेड बाय डैश। तो जिला परिषद है किनके द्वारा हेडेड होता है? आपका जो चीफ मिनिस्टर या फिर आपका डिप्टी कमिश्नर या फिर आपका सरपंच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है, डिप्टी कमिश्नर या फिर जो कमिश्नर है वहां के हेड होते हैं। देन सेकंड आता है बी नंबर का, द हेड ऑफ द ट्राइबल विलेजेस काउंसिल इज द डैश। सो यहाँ पर जो हेड होता है ट्राइबल विलेज का, उसका सरपंच होता है कि बीडीओ होता है कि आपका क्लैन हेडमैन होता है। तो आंसर आपको पता ही होगा, थर्ड आ जाएगा आपका क्लैन हेडमैन। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका पंचायत समिति इज द लोकल गवर्नमेंट एट द डैश। तो पंचायत समिति है, लोकल गवर्नमेंट है, कौन से लेवल में होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का है कि विलेज लेवल का कि फिर ब्लॉक लेवल का? तो आंसर आपको पता ही है, थर्ड हो जाएगा राइट आंसर ब्लॉक लेवल। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर, ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन एनी विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन कितना, आपका जो 700 या फिर आपका 500 या फिर आपका थर्ड आता है 300। तो आंसर राइट आंसर इज थर्ड, 300 पॉपुलेशन होगा वहां पर एक जो है ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट ई नंबर आता है आपका, पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। पंचायत किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंडक्टिंग मैरिजेस या फिर आपका सोशल अवेयरनेस क्रिएशन या फिर आपका कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, है ना। जो पंचायत है वो डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है उसको कलेक्शन वो करता है, साथ ही साथ किसी किसी पर जो देखें तो सोशल अवेयरनेस भी क्रिएशन करता है। तो यहाँ पर तो हम जो टैक्स डिफरेंट टाइप के जो टैक्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं, तो राइट आंसर हम किसको ले रहे हैं? कलेक्शन ऑफ टैक्स को ले रहे हैं। देन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, तो ए नंबर आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका जो हमारा जो 73rd जो अमेंडमेंट था एक जो 1992 में आया था, कम इन टू फोर्स ऑन किस डेट में जो आया था? अप्रैल जो है आपका जो 1993 अप्रैल 6 1992 या फिर अप्रैल 25 1994। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993 को ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है फोर्स में मतलब लागू हुआ था। देन आपका नेक्स्ट आता है बी नंबर का, द बीडीओ इज अपॉइंटेड बाय द, कहां पर जो है बीडीओ को अपॉइंटेड होता है? जिला परिषद, स्टेट या पंचायत समिति में? तो आंसर आपका कहां हो जाएगा? स्टेट में जो है बीडीओ के, बीडीओ को जो स्टेट है वो अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, पंचायत समिति इज द गवर्नमेंट बॉडी एट द डैश लेवल। पंचायत समिति है वो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल या फिर जिले लेवल, अभी जस्ट हमने जो है एमसीक्यू में देखा था वो कहां पर होता है? आपका ब्लॉक लेवल पर होता है। देन फिलअप में डी नंबर का है कि डैश डज नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान, यहाँ पर कहां पर जो है पंचायती राज नहीं होता? तो आंसर आपका पता है कहां पर, दिल्ली है, वहां पर पंचायती राज जो सिस्टम से उसको फॉलो नहीं किया जाता है। देन मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड फॉर टैक्स ईयर, जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं या फिर जो अदर जो मेंबर्स है चाहे वो पंचायत का हो, ब्लॉक समिति का हो, ये सभी जो है 5 ईयर्स के लिए क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, कॉलम ए से आपको कॉलम बी को क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम इसमें मैच करके। आपका कॉलम ए जिला परिषद है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, 73rd जो अमेंडमेंट एक जो आया था यहाँ पर जो गेव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया। मिजोरम है, तो मिजोरम डज नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम, मिजोरम में पंचायती राज सिस्टम फॉलो नहीं होता है। महात्मा गांधी, तो वो मैच होगा, इंक्वायरेज इंडिपेंडेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। देन पंचायती राज सिस्टम देखें तो 3 टायर जो सिस्टम होता है उसे हम पंचायती राज कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका राइट मार्क्स आपको लगाना है, स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट का मार्क्स लगाना है। तो ए नंबर आता है, द पंचायत्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देन आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट इज टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली, ये भी क्या है? ट्रू हो जाएगा, राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 73rd अमेंडमेंट ही हुआ था पंचायती इलेक्शन वगैरह से संबंधित। देन सी आता है आपका, ग्राम सभा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ग्राम सभा है जनरली वो जो है विलेज जो गांव है उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ऑल नॉर्दर्न स्टेट डू नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम,
ये भी जो यहाँ पर हम इसको रॉन्ग करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। आज नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो सभी जो है पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं है। कुछ जो चुनिंदा जो दो तीन जो स्टेट्स है वहीं पर ये जो पंचायती राज सिस्टम फॉलो नहीं होता है, बाकी जगह किया जा रहा है। तो इसको आपको ये स्टेटमेंट है आपको रॉन्ग करना है, यहाँ पर राइट हो गया, इसको आपको क्या करना है, रॉन्ग करना है। देन मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, मेंबर ऑफ जिला परिषद है वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है, वो 5 ईयर्स के लिए होता है। सो ये जो है आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी और डी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी जो है राइट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड हम देखें तो इसमें आपका आता है कि वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द विलेजेस, एज अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत थिंक ऑफ इनोवेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेटेड यूथ इन द विलेज। अगर आप जो है ग्राम पंचायत के मेंबर है तो आपको गांव के लिए कुछ जो यूथ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको तलाशना है। तो आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, एज अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आई कंसीडर क्रिएटिंग अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द एजुकेटेड यूथ इन द विलेज। मतलब मैं जो डिजिटल जो लिटरेसी है, मतलब यहाँ पर मैं जो है कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर जो है ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम जो है गांव वालों को सिखाना चाहूंगा। दिस विल नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ बट ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन द विलेज। तो इससे सिर्फ जो यूथ है उनको जॉब ही नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, उसके अलावा डिजिटल जो लिटरेसी है वो भी बढ़ पाएगा गाँव का। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड आता है, तो यहाँ पर डिस्कस हाउ द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट। जो पीपल्स है उनका जो पंचायती राज के कारण से जो है डेमोक्रेसी में गवर्नेंस में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करने हैं। तो द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट इन सेवरल वेज। कुछ डिफरेंट जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। फर्स्टली इट हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट लोकल लेवल। इससे क्या होता है कि लोगों को लोकल लेवल पर ही डिसीजन मेकिंग सहभागिता प्रोवाइड करने का उनको चांसेस मिलता है। देन इट हैज गिवन पीपल द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब लोगों के पास पावर होता है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, गांव में पंच सरपंच का इलेक्शन होता है तो उसके थ्रू वो जो है फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चुन सकते हैं। देन इट हैज इनेबल पीपल्स टू होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अकाउंटेबल बनाता है, जो पीपल जो उनको चूज कर भेजे उनके प्रति। तो इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन में आप रख सकते हैं और अपने नोटबुक्स में आपके टीचर्स बोलते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। या नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड एवलुएटिंग वाले क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड हाउ डज द सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्ट विथ विलेजेस टू ब्रिंग वेरियस डेवलपमेंट स्कीम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विलेज को कैसे कनेक्ट करता है डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड, तो आंसर में आपका क्या, वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज द ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड द पंचायत समिति। द मेन आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइस इन द विलेज टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री। मतलब जो ये जो डेवलपमेंट जो डिफरेंट जो प्रोसेस जो वर्क किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जो है डिफरेंट जो चैनल, मतलब ग्राम पंचायत के थ्रू, जिला परिषद है और जिला जो पंचायत समिति है उनके थ्रू किया जाता है। और जो मेन जो आइडिया होता है कि ये जो डेवलपमेंट जो लेवल जो बनाए गए हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और जो डेवलपमेंट में सहभागिता दिलाना मेन जो इनका उद्देश्य होता है, एम होता है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलिए और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, है ना। देन ए नंबर आता है डिफाइंड पंचायती राज। तो पंचायती राज को आपको डिफाइन करना है, तो इसमें आपका आता है कि पंचायत इज एन असेंबली ऑफ 5 वॉइसेस एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द विलेज कम्युनिटी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट एंड गिविंग एडवाइस। मतलब पंचायती राज में क्या होता है कि भाई जो 5 जो एल्डर्स होते हैं वो चुने जाते हैं और वो जो है डिफरेंट जो डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े हो गए एडवाइस देने के लिए उनको चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। देन इनिबिट द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो फंक्शंस है आपको बताने हैं, तो मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, देन आपके माइनर जुडिशियल
फंक्शन मतलब जो है आपका जो पंचायत का काम होता है कि भाई रूल्स वगैरह बनाना है, उनको लागू करना है, वाटर सोर्सेस है, रोड्स वगैरह है, उनको क्या करना है, कंट्रैक्ट्स को उनको बनाना है, माइनर जो डिजिटल फंक्शन कुछ छोटी मोटी जो चीजें झगड़े हो गए तो उनको क्या करना है, निपटाया करना है, तो ये काम जो है पंचायत का होता है। देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद जो है किस तरीके से वो बनते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इसमें होता है आपका ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्लॉक समिति इन द डिस्ट्रिक्ट, जितने भी जो प्रेसिडेंट होते हैं ब्लॉक समिति के वो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। देन एमएलएज होता है, एमपीज होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड्स होते हैं, मेयर्स होते हैं कॉर्पोरेशन के और जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के, तो ये सभी जो है जिला परिषद जो है उनसे मिलकर बना होता है, वो उसके मेंबर्स होते हैं। सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन, साथ ही साथ जो डिफरेंट जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं तो उनमें जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स होते हैं, वुमेन जो होते हैं, और उनके लिए जो सीट्स है वो रिजर्व कर दिया जाता है ताकि वो उनके जो प्रतिनिधि है यहाँ पर चुनकर आ सके। तो इस तरीके से जिला परिषद जो है बनता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर, डिसाइड द सिस्टम दैट इज फॉलोड इन द ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में कौन सा जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पर आता है ट्राइबल एरियाज हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शंस एट द ग्रास रूट लेवल, ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि भाई जो ग्रास रूट लेवल है वहां नीचे लेवल से जो है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो जुड़ा रहता है। दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड आर फंक्शनिंग एट द विलेज क्लैंस और स्टेट लेवल, मतलब उनका जो अपना जो परंपरागत तरीके से आ रही जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है वो चलता रहता है, और वो या तो गांव लेवल पर होता है या फिर क्लैन जो उनका समूह संगठन है उनके लेवल पर होता है या फिर स्टेट लेवल पर भी हम उनको देख सकते हैं। दे हैव देयर ओन काउंसिल विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द क्लैन हेडमैन, मतलब उनके जो क्लैन का है उनका जो मुखिया होता है तो उनका अपना एक संगठन होता है और उनके जो हेड जो है क्लैन जो हेडमैन होते हैं वही जो है उनके जो हेड होते हैं मुखिया होता है, पूरे जो है ये जो भी जो चीजें जो डिसीजन ले रहे हैं काउंसिल में उन्हीं का मेन रोल होता है। देन ई नंबर आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट, एक 73rd अमेंडमेंट हुआ तो उसका क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पर आता है टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 ईयर्स में रेगुलर जो है इलेक्शन होने चाहिए। देन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटी एससी एंड वुमेन, जो एसटी एससी है और वुमेन्स है उनको सीट प्रोवाइड करना था। देन टू अपॉइंटेड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट जो है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अपॉइंट हो, तो ये भी एक जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ उनका एक जो ऑब्जेक्टिव था। देन टू कंस्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका भी बनाने का जो उद्देश्य 73rd अमेंडमेंट में हुआ था। सो इस तरीके से ये आपके ई के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस, इसमें आपको फर्स्ट नंबर आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ पंचायत समिति, इट्स फंक्शन एंड द सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको पंचायत समिति के बारे में उनका वर्क है और उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके बारे में बताना है। तो आपका आ जाए ग्राम सभाज आर ग्राम पंचायत ऑफ सेवरल नेबरिंग विलेजेस टूगेदर फॉर्म अ पंचायत समिति, दिस समिति इज हेडेड बाय द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, मीन्स जो ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत है उनके जो आसपास जो है डिफरेंट जो मिलकर क्या बनते हैं पंचायत समिति बनते हैं, यहाँ पर समिति और नोट कर लेंगे है ना। ये जो समिति है उसका जो हेड होते हैं चेयरमैन होते हैं या फिर डिप्टी चेयरमैन होते हैं। देन द इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पंचायत समिति आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम बनाना है, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर है वो इस्टेब्लिशिंग करना है, एंड प्राइमरी स्कूल्स है वो इस्टेब्लिश करना है, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही कि नहीं उसको देखना है, उनको मैनेज करना है, इस्टेब्लिशिंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, अगर लॉन्ग लगेगा तो यहाँ तक कुछ जो पॉइंट्स है एक दो आप जो है फंक्शन है उसको स्किप भी कर सकते हैं। देन द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत समिति आर ग्रांट इन एड एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचायत समिति को जो पैसा मिलता है वो उनके इनकम के सोर्सेज होते हैं, साथ ही साथ वो अपने डिफरेंट डेवलपमेंट के लिए लोन भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का बी नंबर का कि इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का फंक्शन आपको बताने हैं। तो द फंक्शन ऑफ जिला परिषद इंक्लूड्स, जिला परिषद का क्या क्या वर्क होता है काम होता है, तो प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटीज टू द रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन है उनको जरूरी जो सर्विस है फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना है।
प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग और जो उसको एग्जीक्यूट करना है डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड वो करने का काम होता है जिला परिषद का। देन एजुकेटिंग फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स एंड द टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग से रिलेटेड जो फार्मर्स को नए नए सीड्स के बारे में जानकारी देना, हाई यील्ड वैरायटीज के जो सीड्स है उनका, फार्मिंग के जो नए टेक्निक्स है उनके बारे में बताना, ये भी फंक्शन होता है इनका जिला परिषद का। एजुकेशन ऑफ एडल्ट प्रोग्राम एंड सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ स्कूल, अडल्ट जो बड़े लोग हैं उनके पढ़ाई के लिए भी जो पढ़े लिखे नहीं है, और साथ ही साथ डिफरेंट स्कूल स्टैब्लिश करना, उनको रन करना, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, तो ये भी काम आपका जिला परिषद का होता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड, साथ ही साथ जो ब्रिज है, जो ब्रिजेस है, रोड्स वगैरह बनाना है, ये भी आपका जिला परिषद का वर्क होता है। देन सी नंबर आता है लास्ट जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आपका, एलोब्रेट ऑन द रोल ऑफ पंचायती राज एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्री टायर सिस्टम इट्स कंस्टिट्यूट, पंचायती राज के बारे में बताना और जो थ्री जो डिफरेंट जो सिस्टम्स है उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं, तो आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा। द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज एक ऐसा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर जो बेसिक जो यूनिट, सबसे जो छोटा यूनिट हम जो देखे एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, तो वो पंचायती राज सिस्टम होता है। एंड ऑपरेट्स एट द थ्री डिफरेंट लेवल, विलेज लेवल पर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है और डिस्ट्रिक्ट, थ्री डिफरेंट लेवल पर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम ग्राम पंचायत की बात करें, सो ग्राम पंचायत आर विलेज लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद द सरपंच एज द हेडेड ऑफ द ग्राम पंचायत, मीन्स ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है और जो सरपंच होते हैं वो यहाँ के हेड होते हैं। देन पंचायत समिति इज अ फॉर्म बाय द ग्राम पंचायत ऑफ द तहसील और तालुका फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पंचायत जो समिति है तो वो डिफरेंट जो ग्राम पंचायत उस तहसील से या फिर उस तालुका से बिलोंग करते हैं उनसे मिलकर पंचायत समिति बनता है, और ये जो पंचायत समिति है ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों को जोड़ने का काम करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है या फिर जिला परिषद से जो वर्क आते हैं उनको वो ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंट करवाने के लिए किसके थ्रू आता है, वो पंचायत समिति के थ्रू आता है। देन द जिला परिषद फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड is responsible for the administration of the rural area in the district, forming a link between the state government and the panchayat समिति, मतलब ये जो जिला परिषद है वो फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो रूरल एरियाज है जो डिस्ट्रिक्ट का है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाले और लिंक करे किसके बीच, जो पंचायत समिति है और स्टेट गवर्नमेंट है उनको जोड़ने का जो काम है जो जिला परिषद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर वीडियोस हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।